नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बुलेटिन में। बॉलीवुड बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लोगों ने सोशल मीडिया पर लगाई फटकार, तो वहीं कंगना रनौत ने हिंदू मुस्लिम को लेकर दिया बयान। वहीं 7 सालों से नहीं दिखी गजनी एक्ट्रेस की झलक, तो वहीं सोमी अली ने सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से भी बदतर बताया। तो वहीं शरीर पर मोमबत्ती लगाकर खतरों से खेलते दिखे एक्टर साहिल। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड बुलेटिन। दिवाली से पहले एक्टर साहिल ने कुछ ऐसा अंदाज सबके सामने रखा है जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वायरल हो रही तस्वीरों में अभिनेता साहिल सलाथिया नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर ही मोमबत्ती लगा डाली है। पूरे कंधे पर, पीठ पर मोमबत्ती की मोम लगी हुई नजर आ रही है और जो भी उनके इस लुक को देख रहा है वो हैरान हो जा रहा है। अजय देवगन एक बार फिर से अपने सिंघम अवतार में कमाल करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक आर्यन भी मजेदार एंट्री मारने वाले हैं। लेकिन इस वक्त इन दोनों फिल्मों को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि दोनों ही फिल्मों को सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। वहीं जहां इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अब सऊदी अरब में मौजूद दर्शकों के लिए ये बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। आमिर खान की फिल्म गजनी तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में आमिर खान और एक्ट्रेस आसिन थी। इस फिल्म को लोगों ने खूब ज़्यादा प्यार दिया और यह फिल्म पूरी तरह से सुपर डुपर हिट भी साबित हुई। इस फिल्म में अभिनय करने वाली एक्ट्रेस आसिन शादी के बाद से सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। बीते 7 सालों से आसिन की कोई झलक देखने को नहीं मिल रही है। वो सोशल मीडिया पर भी अपनी कोई तस्वीर पोस्ट नहीं करती हैं और हर साल बस उनका 1 अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में झलक सामने आता है और हर बार इसका मकसद भी एक ही होता है। वो हमेशा अपनी बेटी अरीन के जन्मदिन को सेलिब्रेट करती हैं और उस सेलिब्रेशन की झलकियां साझा करती हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। प्रशांत वर्मा की मच अवेटेड सीक्वल जय हनुमान अपनी घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। जय हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म हनुमान की जबरदस्त सफलता ने इसे और भी खास बना दिया है, क्योंकि इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें जय हनुमान पर टिकी हुई हैं। जय हनुमान सबसे पवित्र और प्रसिद्ध पौराणिक सुपर हिट फिल्मों में से एक है और सुपर हीरो को भी जीवित करने वाला है। यह अनोखा सिनेमाई अनुभव देने का वादा भी करता है, क्योंकि इसके हाल ही में रिलीज किए गए फर्स्ट लुक में हम कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी को भगवान हनुमान के रूप में देख सकते हैं। सोमी अली सुपरस्टार सलमान खान को कितना नापसंद करती हैं, ये तो जग जाहिर है। सोमी अली आए दिन एक्टर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करती रहती हैं और अब एक बार फिर से सोमी अली ने हैरान कर देने वाला बयान शेयर किया है। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने खुलासा किया है कि सलमान खान ने उनके साथ जैसा बर्ताव किया है वैसा उन्होंने किसी के साथ नहीं किया है। हालांकि सोमी अली ने यह भी बताया कि उन्होंने ऐश्वर्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे यह भी लगता है कि उन्होंने ऐश्वर्या के कंधे की हड्डी तोड़ दी थी। सोमी ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच तुलना करते हुए कहा कि सलमान खान ने मेरे साथ जो किया है उसे देखते हुए मैं कह सकती हूं कि बिश्नोई उनसे लाख गुना ज्यादा बेहतर है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 12 साल में शोहरत का खास मुकाम हासिल कर लिया है। सिद्धार्थ ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और सुपरहिट स्टार भी बन गए हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की लाखों की फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस उनसे गुस्सा हो गए हैं और उनके गुस्से का शिकार एक्टर हो गए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक फैन को इग्नोर कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भड़क गए हैं। इस वायरल हो रहे वीडियो को देख लोगों ने सिद्धार्थ को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक चर्चा में बनी हुई हैं। साल 2020 में नताशा और हार्दिक का रिश्ता जुड़ा हुआ था, लेकिन 4 साल में ही दोनों अलग हो गए। इस घोषणा के बाद काफी वक्त के लिए नताशा अपने देश वापस लौट गई थी। लोगों को लगा कि वो अब अपने बेटे के साथ अपने देश में ही रहेंगे, लेकिन वो फिर से वापस भारत आ गई हैं। जी हाँ, वापसी के बाद से ही वो अक्सर एक शख्स के साथ स्पॉट की जाती हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री दिशा पाटनी के एक्स बॉयफ्रेंड हैं, जो हमेशा मॉडल के साथ स्पॉट
नॉट किए जाते हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा के साथ हमेशा घूमते हुए और समय बिताते हुए डिनर करते हुए नजर आते हैं और वेकेशन भी मनाते हुए स्पॉट किए जाते हैं। लेकिन अब इनका एक रोमांटिक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों रोमांस करते हुए साथ में नजर आ रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। इस वीडियो को देख लोग काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि एक्शन ड्रामा ओरिजिनल फिल्म सूबेदार की शूटिंग आज यानी दिवाली के एक दिन पहले शुरू होने वाली है। अनिल कपूर के लीड रोल वाली इस फिल्म में राधिका मदान भी अहम किरदार में नजर आने वाली है और उनकी बेटी श्यामा का किरदार भी निभा रही है। फिल्म में कई शानदार किरदार हैं जिसमें एक खतरनाक विलेन भी शामिल है। जलसा और तुम्हारी सुलू के लिए पहचाने जाने वाले डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी इस एक्शन से भरपूर ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं। प्राइम वीडियो ने शूटिंग की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सूबेदार के रूप में अनिल कपूर का दमदार लुक जारी किया है। बिग बी के नाम से मशहूर बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर यूं कहा जाए पूरे भारत और पूरे देश में मशहूर हैं अमिताभ बच्चन। अपने फैंस के पसंदीदा भी ये माने जाते हैं। इनके फैंस हर रविवार को इनकी झलक देखने के लिए एक्टर के बंगले के बाहर आते हैं। फैंस से अमिताभ बच्चन कभी भी मिलना नहीं भूलते हैं। अमिताभ के लिए फैंस का प्यार उनकी फिल्मों की रिलीज पर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हाल ही में अमिताभ बच्चन की एक फैन का दिलचस्प वीडियो सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में अमिताभ बच्चन का अपनी एक महिला फैन से सामना हुआ जो काफ़ी अलग था। इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन के लिए उनके घर पर उनकी फैन गाती और नाचती हुई दिखाई दे रही है। कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपनी स्पीच के चलते ट्रोल हो रही हैं। वीडियो में कंगना रनौत कहती हैं कि भगवान करे, इंशा अल्लाह करे कि ऐसा दिन आए कि जब हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में इंजॉय करें और दारू पिए। अब कंगना रनौत के इस वीडियो पर लगातार लोग कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक यूजर इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि फिर भी इनको कुर्सी ही चाहिए। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह तभी हर जगह जूते खाती हुई रहती है। हालांकि काफी लोगों ने कंगना रनौत का मजाक भी इस वीडियो को देखकर बनाया। बॉलीवुड बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4PM बॉलीवुड। धन्यवाद। Thank you.